अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। काम उच्च स्तर पर हो रहा है। दुनिया भर के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच राम लला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आई है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। गिद्धराज जटायु के वंशज एवं लुप्त हो रही प्रजाति गिद्धों के समूह का अक्षात्मक अयोध्या की पुण्य भूमि पर आगमन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति की सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दें कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहू लुहान कर दिया था। राम कथा में प्रसंग आता है कि जटायु के भाई संपाति ने कहा था कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा देख रहा हूँ। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर इन्हें पूज रहे हैं। खंडासा क्षेत्र के धरोले गांव के दर्जनों लोगों ने बताया कि गांव के आसपास स्थित भागों में दर्जनों की संख्या में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति के लिए अच्छी खबर है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अयोध्या के एन सुधीर ने बताया कि यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी खबर है। देश में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। बीते वर्ष एक रिपोर्ट के अनुसार 30 साल के भीतर भारत में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये संख्या तकरीबन 4 करोड़ से घटकर 4 लाख पर पहुंच गई है। धरती पर उनकी बहुत जरूरत है। ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्धों का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।